आज हम ये वाले रैप्स बनाएंगे। बाजार में जैसे तरह से मिलते हैं ना रैप्स, बस वैसे ही पनीर फिलिंग के साथ और झटपट से बनेंगे ये रैप्स। इसके लिए जो हम फिलिंग बनाने वाले हैं पनीर की, उसके लिए थोड़ा सा जीरा डाल दिया हमने, और ये प्याज एक कटा हुआ, ये थोड़ा सा और हम इसे फ्राई करेंगे। इसमें हम ये मटर डाल रहे हैं, मेरे पास फ्रोजन मटर है, मैंने ये डाला। इसी के साथ एक हरी मिर्च, ये देखिए ये मटर थोड़े से गल गए हैं। अगर आपके मटर कच्चे हों, वो फ्रेश वाले हों, तो आप ढक के पका लेना थोड़ी देर के लिए। अब हम इसमें सूखे मसाले में किचन किंग मसाला एक चम्मच डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार, हल्की सी लाल मिर्च, एक चौथाई चम्मच हल्दी। इसमें हम ये फ्रेश पनीर मेरे पास है, ये मैं ये क्रम्बल्ड है, मैंने फ्रेश दूध लिया था 1 लीटर, उसमें थोड़ा सा सिरका, वेनेगर या नींबू कुछ भी डाल के आप फाड़ सकते हो। मैंने वेनेगर हल्का सा एक चम्मच डाला, उससे फ्रेश पनीर बन गया। ये देखिए ये कमाल की फिलिंग रेडी हो रही है। इसमें हम एक चम्मच टमाटो सॉस डाल देंगे। ये देखिए ये हमारी फिलिंग रेडी है रैप्स के लिए। हम ये रैप्स, मैंने रैप्स की रेसिपी आपके साथ ये शेयर की हुई है, आप चेक कर लेना। इस पर हम इस तरह से सॉस लगा देंगे, कोई भी मेयोनीज लगा लें, सॉस लगा लें, कुछ भी लगा लें। इसके बीच में इस तरह से हमने फिलिंग डालनी है, थोड़ी सी फिलिंग डाल देनी है। ये हम शिमला मिर्च 2 पीस रख देते हैं इसके ऊपर, और थोड़े से प्याज लंबे लंबे काट के ये डाल देंगे हम। ये 2-3 पीस हम इसमें टमाटर डाल देंगे। ये इस तरह से हम इसके ऊपर सॉस डाल देंगे, आप कोई भी सॉस, चटनी, कुछ भी डाल सकते हैं इसके ऊपर। और थोड़ी सी हम इस तरह से चटनी डाल देंगे, और इस तरह से हम इसका रैप रेडी कर देंगे। ये हम थोड़ा सा तेल डाल के, ऑयल डाल के ये रैप को ऊपर रख के रोस्ट करेंगे थोड़ा सा। ये देखिए इस तरह से हम टर्न कर देंगे दूसरी साइड भी। ये देखिए ये हमारा अच्छी तरह से पक गया है, रोस्ट हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे, ये इसे हम फॉइल पेपर पे रैप करके इस तरह से हम कट कर देंगे इसे मिडल से। ये देखिए सब बढ़िया रैप बना है कि नहीं, कमाल की। तो घर पे ही हम बाजार जैसे रैप्स बना लेंगे। इस तरह के रैप्स अगर आपको पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।